ये तो सभी जानते हैं कि इंसानों को जीने के लिए ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है और हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस पर्याप्त मात्रा में पाई भी जाती है जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। लेकिन इंसानों के दिमाग में एक बात हमेशा चलती रहती है कि अगर वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस 5 सेकंड के लिए भी गायब हो जाए तो क्या होगा। आपको तो पता ही होगा कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन गैस खत्म हो जाती है तो पानी में ऑक्सीजन के अणु नहीं रहेंगे जिससे सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही बचेगी, जिसके कारण पृथ्वी पर मौजूद सारा पानी वाष्प बनकर स्पेस में चला जाएगा। क्योंकि हमारा शरीर भी पानी से मिलकर बना होता है, इसलिए हमारे शरीर में मौजूद हाइड्रोजन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गैसीय अवस्था में बदल जाएगा, जिससे हमारे शरीर का वॉल्यूम काफी हद तक बढ़ जाएगा। ऐसे में सांस रुकने से पहले ही इंसान फूल कर फट जाएगा। पृथ्वी पर मौजूद हर जानवर की मृत्यु ऐसे ही होगी। हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस की मात्रा करीब 21% है, यानी ऑक्सीजन गैस के खत्म होने से करीब 21% दबाव वायुमंडल से खत्म हो जाएगा। जिस तरह ऊंचाई पर जाने पर जहां वायुमंडल का दबाव कम होता है तो हमारे कानों से खून आने की शिकायत आती है, ठीक वैसे ही ऑक्सीजन गैस के खत्म होने पर वायुमंडल का दबाव भी कम हो जाएगा और हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे। ऑक्सीजन के बिना हमें आकाश काले रंग का दिखाई देने लगेगा क्योंकि सूरज की किरणें परावर्तित नहीं हो पाएंगी। ओजोन परत जो हमें सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है वो भी ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर ही बना होता है, इसलिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ओजोन परत का निर्माण भी नहीं होगा जिससे सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेस डायरेक्ट अर्थ पर पड़ेंगी जिससे स्किन बर्न स्टार्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन के खत्म होने पर हमें इतने भयानक नजारे देखने को मिलेंगे, इसलिए पेड़ लगाना कितना जरूरी है इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।